तो फैमिली आप देख सकते हैं मैंने आज बनाया है चिकन। आप लोग नहीं खाते हो, जो नहीं खाता हो प्लीज को स्किप कर देना वीडियो। में अभी बोल रही हूँ, दोबारा भी मैंने बोला, दो बार बोला है, लेकिन आप लोग अगर नहीं खाते हो तो प्लीज़ स्किप कर देना। लेकिन खाते हो तो बिंदास देखो, बहुत टेस्टी। अब हम लोग तो इन्जॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है। और आपको अगर इसकी रेसिपी जाननी है मैंने कैसे बनाया, देखने में बड़ा डिलीशियस लग रहा है लेकिन बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं है, बहुत आसान। ना मसाला पीसने का झंझट है और ना ही घंटों भूनने का झंझट है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आराम से। मिनिमम आपको समय बता दूँ तो आपका 15 से 20 मिनट में आपका इतना लाजवाब डिलीशियस चिकन तैयार हो जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको बनाने की रेसिपी जानने से पहले क्या करना होगा, तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिएगा और चैनल को क्या सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को लगो, लेट्स स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माई चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एमपीयू। और आज जैसे कि आप समझ गए मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोल देती हूँ, अगर आप लोग चिकन वगैरह नहीं खाते तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा या फिर मत देखिएगा। और जो खाते हैं बिंदास देखो यार, ठीक है। तो चिकन बनाने की मैंने चिकन बहुत बार बताया लेकिन थोड़ा सा मैं चिकन को बहुत आसान तरीके से, बहुत स्वादिष्ट और बहुत आसान कैसे बना सकते हैं बिना मसाला पीसे, कई बार बताया है लेकिन अभी थोड़ा नया तरीका मैं ट्रिक कर रही हूँ। नहीं मैं करती रहती हूँ, वैसे भी मैं बहुत कम है मसाला पीसती हूँ, खड़े मसालों में ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, मैं पीसती नहीं हूँ। तो आपके साथ सारी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो देर नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तो पहले आप यहाँ देखिए ये है चिकन, ठीक है। और चिकन में मैंने इसमें डाल दिया है भगोने में, तो इसको बॉयल हम दिला रहे हैं, मतलब इतना बॉयल दिलाइए कि ज़्यादा ये गलेगा नहीं, बस इतना कि इसमें थोड़ा सा बॉयल करने से अच्छा सा एक सॉफ्ट आता है ना इसमें, तो सॉफ्ट सा हो जाएगा, क्यों नहीं करेगा ज़्यादा, मतलब उसमें टाइट टाइट बनी होगा, वैसे भी अच्छा होता है। और बाकी बॉयल करने से साफ भी हो जाता है, साफ तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इसको साफ कर चुके हैं लेकिन बॉयल दिलाने से और भी अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है। अब बॉयलिंग करते समय हम थोड़े से इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक दो तेज पत्ता है, दालचीनी है, जायफल है, काली मिर्च है, लौंग है और गोल मिर्ची जो होता है ना, काली मिर्च, हाँ गोल मिर्ची बोलते हैं उसको, तो इन सब सारी चीज़ों को इसमें हम ऐड कर देंगे, थोड़े से बस खड़े मसाले, ताकि जो खड़े मसाले का फ्लेवर है ना इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। तो इसको हम बॉयल दिला लेते हैं और जब तक हम अपना इसका जो मसाला तैयार करना है ना तो वो तैयार करते हैं, ठीक है। ये बॉयल हो रहा है तो चिकन में जब हम बताए खड़े मसाले डाल देते तो बहुत स्ट्रांग मतलब फ्लेवर आता है। और जो हमारा मैंने क्या बताया था इसको जायफल ही बोलते हैं सही, उसका बड़ा अच्छा मतलब जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है। और इसको आप इसका पानी जो है फेंकना नहीं होता है, इसका पानी ही हम यूज़ करेंगे ग्रेवी में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे नहीं तो कोई बात नहीं। और आप इसको जो है जैसे कि नहीं चाहते हैं कि इलायची और ये गोल मिर्च वगैरह हमारे मुंह में आए तो आप इसकी एक पोटली बना के सूती कपड़े में पोटली बना के वो भी पानी में ऐड कर सकते हैं ताकि वो फ्लेवर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है, अब यहाँ पर बहुत सारी कटी हुई बड़ी बड़ी प्याज है और बिल्कुल बड़े बड़े देखिए लहसुन है, बड़े बड़े मतलब काटे बिल्कुल नहीं है, तो सारी चीज़ें हम ऐसे ही डाल देंगे। तेल मैंने पहले से डाल रखा था, लहसुन प्याज सब एक साथ मैं डाल रही हूँ, ये देखिए आप मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ, लहसुन प्याज काट के छील के धो लिया है और उसके बाद हमने इनको ऑयल में डाल दिया। अब आप देख सकते हैं तो मैंने सारे खड़े डाले हैं, प्याज और लहसुन, आप इससे बड़ा भी थोड़ा काट सकते हैं। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर चार से पांच टमाटर है और हरा मिर्चा है, वो भी मैंने दो भागों में कर लिया है। अब इसको भी हम ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है, ऐसे डाल देंगे। अब सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने मैंने डाली है, इसमें कोई चीज़
नहीं डाला है, झंझट नहीं करना है, ना हमें सिलबट्टा चलाना है, ना मुझे मतलब आपको भी नहीं करना है। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत सोंधा आएगा, बहुत सोंधा होता है ना जैसे बहुत बढ़िया सा घंटों करना पड़ता है, उसी हिसाब से ही बनेगा। स्वाद में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, बाकी नमक ना हम जो है ग्रेवी में डालेंगे। जब ग्रेवी हमारी बनेगी तो थोड़ा सा टमाटर प्याज हमारे नरम हो जाए और अच्छे से गल जाए, ठीक है। तो इसको हम बहुत बढ़िया से चला लेंगे और इनको हम बंद कर देंगे ढक्कन, 4 से 5 सीटी लगाएंगे ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए। ओके, तो फैमिली हम देख लेते हैं कैसा हमारा ये तैयार हुआ है। अच्छा हुआ होगा, मतलब मुश्किल से आप मिनिमम अगर टाइम सोच लीजिए तो आधे घंटे में आप मस्त चिकन बना के खा सकते हैं फटाफट, और बहुत ये भी नहीं उबला उबला लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो इधर आप देख लीजिए आके, ये देखिए कांगे हमारे सारे टमाटर, लहसुन की मतलब वो पूरी 1 से 1.5 कली डालिएगा, मतलब लहसुन होना चाहिए कायदे से, है ना। तो आप देख सकते हैं ना तो हमें पीसना पड़ा, ना तो हमें मसाले को कुछ करना पड़ा, और कितने बढ़िया मसाले। और थोड़ा सा बहुत लगता है तो इससे हम ऐसे से ग्राइंडिंग कर देंगे, बाकी तो अभी तो ये चिकन में भी भूनेगा ना तो सारा भी सारा और गल जाएगा, अगर तो बिल्कुल गायब हो गए लहसुन और प्याज सब गायब हो गए। अब देखिए एक जो क्रीमी सा हमारा जो ग्रेवी बनता है ना बिल्कुल वही बनने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं किसे मसाले अभी इसी समय हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा प्याज वैसे भी पक चुका है और भुन भी चुका है, क्योंकि हमने तेल में ही इनको पकाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मसाले। तो आप मसाले देखिए, मसालों में है हमारा रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, और गरम मसाला, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और ये धनिया पाउडर थोड़ा 2 चम्मच, और मिर्च आपने अपना स्वाद अनुसार लीजिएगा, ज़्यादा कड़ू हो तो आधी लीजिएगा, मैंने 1 चम्मच ली क्योंकि मेरी कड़ू नहीं है। और यहाँ लिया मैंने मीट मसाला, आधी अभी डालूँगी, आधी बाद में डालूँगी जब हमारा चिकन पक जाएगा ऑलमोस्ट, लास्ट में डालूँगी 2 मिनट के लिए भाप में पकाऊँगी, ताकि उसकी जो खुशबू जो फ्रेशनेस है ना मीट चिकन की वो बनी रहे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने मसाले। तो हमारा पहले मैं डाल दी हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा ही डालूँगी थोड़ा बचा लूँगी, और ये सारी चीज़ें तो एक साथ जाएगी, देख सकते हैं मैं पूरा डाल दी हूँ, और अभी जो बचा कुचा होगा वो बाद में डालूँगी, इतना और डाल देती हूँ, थोड़ा बचा देती हूँ। और यहाँ से फैमिली आप कलर देखिए, देख रहे हैं गाइस क्या कलर है। और ना तो मैंने कोई मसाला पीसा, मैं बार बार कह रही हूँ ना पीसा है, आपके सामने सारी चीज़ें डाली थी। ग्रेवी का कलर देख लीजिए, लग रहा है ना बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो बस इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं अब इसको करना है, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम ढक के मसालों को मसाले है ना तेल सेपरेट होने देंगे, ठीक है। पानी भी अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्याज का पानी है। ओके, तो गाइस हम देख लेते हैं, वाओ तो हमारा मसाला आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ना जला ना कुछ, बहुत अच्छे से हो गया, तेल सेपरेट हो गया है, कलर आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया गाइस। और पता है आप सोच रहे हो जब ये कुकर में बनाइए, और तो हमें कुकर को हम मैंने इसीलिए यूज़ किया था, केवल प्याज मिर्चा टमाटर जो हमने बड़े बड़े डाले थे बस इसको हमको गलाना था, बाकी मैंने जो हमारा ये चिकन है, चिकन में तो सीटी लगानी नहीं है क्योंकि चिकन मैं ऐसे ही पकाने वाली हूँ, आप जानते हो मैं कढ़ाई में ही पका लेती हूँ, लेकिन बस मैटर यहाँ पे अगर मैं पीसती हूँ तो कढ़ाई में ही मैं चिकन बनाती हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना कुकर में बनाने का मकसद यही था, क्योंकि इस मसाले को हमें पीसना नहीं था। आप भी अगर मसाला नहीं पीसना चाहते हैं, अगर आपकी मिक्सी ख़राब हो गई है, सिलबट्टे पे मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं स्वाद के मामले में। आप फिलहाल ऐसे भी बनाइए फटाफट से बन जाएगा, और स्वाद के मामले में मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही बना के चेक जरूर करिएगा।
बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ और टेस्टी जल्दी जल्दी और टेस्टी बनती है, तो क्यों नहीं हम ऐसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ हम डाल लेंगे थोड़ा बहुत पानी है, पानी मैंने हटा ही दिया है क्योंकि अलग रख दिया। तो यहाँ पर हम कलर देखिए, ग्रेवी का कलर और थिकनेस ये मेन होता है गाइस, पता है। बाकी तो चिकन बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनाने का थोड़ा सा ट्रिक चेंज कर दो ना। और कितना सरल है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बताया, लेकिन कितना सरल है। आप जो हम घर पे ऐसे नॉर्मल आमतौर पे चिकन बनाते हैं, कितना भूंजना पड़ता है, क्या क्या पीसना पड़ता है, बहुत झंझट होता है। मैं भी बनाती हूँ, पीसने वाला भी बनाती हूँ, लेकिन उसको पीसो फिर उसको भूनो, तेल में कितना फ्राई करना पड़ता है, ये कितना फटाक से हो गया। अब इसको भी हम सिर्फ केवल 10 मिनट जो इसका जो पानी होगा उसको भी हम सूखने देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या ग्रेवी इसमें आनी है। ठीक है, जितनी हमें पानी की जरूरत होगी तो फिर पानी डालेंगे, अपने मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, तब फिर इसको पकाएंगे। ठीक है, तो फैमिली फाइनली आप देख सकते हैं हमारा बहुत बढ़िया सा ये जो है मसालों में भुन गया है। अब मसाला भी नीचे नीचे सूखने लगा है। अब इसी समय हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कलर देखिए वाओ, है ना। तो आपको जितना भी पानी इसमें चाहिए हो ना उतना ही ऐड करिएगा। और मैं थोड़ा सा थिक बनाती हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा सा तो पानी, इसी का पानी जो बॉयल वाला बचा था ना, देखो देखो, तो ये मैं एक कप पानी डाल रही हूँ, आप अपना अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मुझे हमारे यहाँ थिक ही खाते हैं सब, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, तो मैं गाढ़ा ही बना रही हूँ। अब इसी समय हम पूरा एक कप डाल देंगे पानी, और बस इसको एक से दो खोल आन देंगे, क्योंकि पका हुआ तो हमारा चिकन है ये ऑलरेडी। अब इसी में हमने डाल दिया अपना जो बचा हुआ क्या था, मीट मसाला, चिकन मसाला, तो हमने डाल दिया है। अभी इसको एक खोल आने देते हैं। ठीक, तो गाइस नमक डालना भूल गई, तो नमक भी स्वाद अनुसार डाल लेंगे। और देखिए पकने लगा है, ये खोल आ गई है, तो मैंने पहले भी डाला था तो हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी नमक ऐड कर चुके हैं, तो अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर से इसको एक खोल लगाएंगे। तो गाइस ये बन चुका है, बहुत परफेक्ट बना हुआ है। अब इसी में हम धनिया डाल देंगे, है ना, धनिया ऐड कर देंगे, और आपको सीधे सर्व करके दिखाएंगे। तो बहुत अच्छी सी, थोड़ा सा और इसको हम गैस को सिम पे पका लेंगे, क्योंकि धनिया की जो फ्लेवर है ना, खुशबू भर भर के आ जाए, बहुत प्यारी सी खुशबू धनिया की, देसी धनिया, बहुत इतनी अच्छी ऑलरेडी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती वो तो आपको बनाना पड़ेगा। तो हम सीधे आपको सर्व करके दिखाते हैं गाइस। ठीक है, आप देख लो एक बार, अच्छा वाह, मन कर रहा है ना, मन कर रहा है तो फटाक से लाओ, फटाक से बनाओ इसी तरीके से। तो हम धनिया में डाल दी थी और डाल देते हैं, और इसको दो मिनट पका लेंगे, आपको सीधे सर्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो फैमिली मैंने गैस को ऑफ कर दिया गाइस, आप कलर देखो वाओ वाओ, तो बिल्कुल निकलने वाला है, क्योंकि चीजी ऐसी बन गई है भाई, क्या लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। और ग्रेवी आप देख लो, अभी ठंडी होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्रेवी तो बहुत ही अच्छी बनी है, और खुशबू का तो मैं बता नहीं सकती आपको, और कलर आप खुद देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और बहुत वाकई बहुत टेस्टी बनता है। तो देख लीजिए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो फैमिली आप सर्व करने के बाद देखिए क्या दिख रही है भाई, वाह वाह वाह, ओ भाई मन कर रहा है ना, गरम गरम चावल के साथ खाइए, परौठे के साथ खाइए, नॉन नान के साथ ही, नॉन कह रहे नॉन सॉरी नॉन नहीं नान के साथ खाइए, तंदूरी के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपका मन कर रहा है उसके साथ खाइए। और ये जो है ना, जो इसके पीसेस है ना, बहुत सॉफ्ट है, क्रंची नहीं है बहुत ज़्यादा, और देखिए गले भी नहीं, मैंने दो बार, एक बार बॉयल दिलाया है और इसमें पकाया भी है, आप देख लीजिए गले कोई भी नहीं है, कि गला दिया है मैंने या तो भरता बन गया, खड़े भी हैं मतलब गले भी नहीं है, और बहुत सॉफ्ट और जूसी है।
और जो मसाले का फ्लेवर है बहुत अंदर तक ही, ऐसे बनाने पे पूरा अंदर तक जाएगा क्योंकि गरम मसाले में हमने इसको बॉयल दिलाया था। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक जरूर करना गाइस। इतनी प्यारी बनाइए, खुशबू रहा ना जाए। हाँ रहा ना जाए, तो रहा ना जाए वाली इस पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो बनाइएगा जरूर, चाहिए अगर मन कर रहा है तो लेके आइए मार्केट से, वो फटाफट से बनाइए। और नहीं बना रहे हैं तो आ जाइए, कभी भी आइए, मैं खिलाऊंगी बना के आपको। तो जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय, लव यू।